एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग स्नीकर्स। और आज है एपिसोड 3 ऑफ केरला कोस्टल रीजन सीरीज, और अभी हम हैं वर्कला में। पिछले व्लॉग में मैं आपको लेकर गया था जटायु अर्थ सेंटर, एंड आई ऑल्सो शोड यू वर्कला क्लिफ इन नाइट, विच वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस। सो अभी जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अभी हम जा रहे हैं कैपल बीच पे। सो कैपल बीच एक्सप्लोर करेंगे। इट्स वन ऑफ द वेरी अमेजिंग बीचेस नियर वर्कला। एक तरफ बैक वाटर्स है, दूसरी तरफ सी है। सो वो आपको कवर करके दिखाऊंगा। प्लस आई एम ऑल्सो ट्राइंग सर्फिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम नॉट अ स्विमर, सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो चलते हैं एंड एक्सपीरियंस करते हैं सर्फिंग इन वर्कला। लेट्स गो। तो गाइज, वी हैव रीच्ड कैपल बीच। यहाँ पे हम सर्फिंग करेंगे। आवर सर्फ बोर्ड्स आर रेडी, हियर इट इज। सो इट्स एन ऑसम बीच, पूरा खाली है सुबह के टाइम पर। सो यू विल लाइक दिस वीडियो, आई विल शो यू। एंड वाटर इज सो क्लीन वाटर। एंड एज माई गाइड वॉज टेलिंग मी, जो हाइट है पानी की वो टिल वेस्ट है। सो यू कैन ईजली लर्न सर्फिंग इफ यू आर नॉन स्विमर एज वेल। सो लेट्स ट्राई इट एंड आई लेट यू नो द एक्सपीरियंस कि अगर आप यहाँ आते हो तो आप सर्फिंग ट्राई कर सकते हो कि नहीं, इवन दो इफ़ यू आर नॉन स्विमर। अगले कुछ शॉट्स इस ऑसम बीच के विद ऑल द वेव्स दैट आर कमिंग इन। Perfect weather and waves for learning surfing. And there is the sun. I'll tell you how it feels like to surf. Chalo. Chalo. हाँ ऐसे, हाँ वेरी गुड। छोड़ दो तो। हो गया, चलो। So guys had an amazing time, did surfing for the try surfing for the first time, didn't do that well. लेकिन फॉर फर्स्ट टाइम आई थिंक डिड प्रीटी वेल। काफ़ी मज़ा आया एंड इट वाज वेरी टायरिंग। सो अगर आप यहाँ पे आकर सर्फिंग ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ डू ट्राई एलेक्सिस सर्फ। दे आर देयर सेंटर इज देयर ऑन द क्लिफ एरिया इटसेल्फ, विच आई शोड यू इन द लास्ट वीडियो। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, द लिंक इज़ हियर। सो वहाँ जाकर आप सर्फिंग बुक कर सकते हो फॉर वन डे। इट्स कॉस्ट यू अराउंड 1500 रुपीज़। And there are many coaches
professional coaches who are doing it from past many years. Shahul is there, who is a professional coach, right? And then Ajay is there, who helped me do surfing. So all these coaches did a fantabulous job. I really enjoyed it, and it's totally worth it. So if you're coming to Varkala, then you should definitely try Elixir Surf and try surfing in Varkala. So Kapil Beach is done. काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर. अभी हम चलते हैं और विल हैव अ ब्रेकफास्ट इन आर होटल एंड देन बात के प्लान्स मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद बताता हूँ. लेट्स गो. तो गाइस कपिल बीच से आने के बाद वी हैड अ ब्रेकफास्ट इन अ होटल एंड काफ़ी थक गया था मैं पोस्ट सर्फिंग. सो दो घंटे की नींद ली गई है और अब हम निकल रहे हैं अपने लंच के लिए. सो आई विल टेक यू टू अ अमेजिंग रेस्टोरेंट एंड गिव यू अ टूर ऑफ दैट रेस्टोरेंट. आई होप कि मुझे सीट्स मिल जाए. आई एम नॉट लेट. सो चलते हैं एंड हैव अ लंच. हम पहुँच गए हैं ट्रिप इज लाइव कैफ़े. So this cafe is most famous in Varkala, having a rating of 4.7. So chalte hain, karte hain lunch is cafe mein and check out karte hain kya hai iski vibes and how is the food. Guys, this is an amazing restaurant. अभी ये पूरा खाली है because obviously अभी सीज़न नहीं है और हम थोड़ा दिन में आए हैं. रात में vibes will be totally different, but I think it's totally worth it coming in the morning because of the amazing views this restaurant has. तो अभी हमने खाना नहीं खाया. खाना हमने ऑर्डर कर दिया है तो खाना आते मैं आपको बताऊँगा how is the taste. लेकिन आप enjoy कीजिए इस amazing views को. Why this restaurant is rated apart from food, right? Because of its vibe and the view you can have from this restaurant or cafe, I must say, is amazing. Just have a look. यहाँ पे फूड भी बहुत ही ऑसम था. तो आई थिंक आई विल गिव अ 4.9 ऑसम रेटिंग ओवरऑल. एंड अभी हम निकलते हैं यहाँ से एंड आपको रास्ते में बताऊँगा व्हाट इज़ माय वेयर आई एम गोइंग नेक्स्ट. मोस्ट प्रोबली आई विल जस्ट वॉच द सनसेट फ्रॉम द वर्कला क्लिफ ऑन द नॉर्दर्न साइड. दिस इज द साउथर्न साइड. सो वहाँ जाएंगे, बैठेंगे और सनसेट का मज़ा लेंगे बिकॉज वर्कला में ये लास्ट इवनिंग है. कल वी आर लीविंग फॉर कोबला. यहाँ पे हमने बहुत ही बड़ा बैट चमगादड़ देखा. आई हैव सीन सच अ बिग बैट फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. आप देखो इसको. वापस पहुंच गए हैं नदन क्लिफ एरिया में. सो अभी यहाँ से बैठ के हम सनसेट का मज़ा लेंगे क्योंकि हम पिछले व्लॉग में मैं रात में इधर आया था. तो अभी सनसेट के टाइम पे व्हेन इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल तब मज़ा लेंगे. चलते हैं अब क्लिफ एरिया में नदन साइड ऑफ वर्कला.
सो गाइस हम वर्कला क्लिफ पे दार्जिलिंग कैफे में ही हैं। यहाँ से ऑसम व्यूज़ हैं, आप सनसेट यहाँ से आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और इसी व्यूज़ के लिए, स्पेशली इस व्यू के लिए ही मैं इस कैफ़े में आया हूँ। एंड बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। वी हैव ऑर्डर्ड सम फूड, आज की शाम यहीं बीतने वाली है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल कैटनेरी में आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। और कल हम कोवलम के लिए भी निकल रहे हैं, तो वर्कला में कुछ एक्टिविटी होगी तो हम सुबह करेंगे। फिर वी विल लीव फॉर कोवलम। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय फ्रॉम ट्रैवलिंग स्नीकर्स।